अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुकदमा के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयमा खुसा और इस लेटेस्ट एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है मेरी कॉलीग और मेरी दोस्त ज़िवन सबर की। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो कराची रेंज और फिर पाकिस्तान की कुछ फीमेल सहाफियों ने एक स्टेटमेंट इशू की थी जिसके अंदर हैशटैग अटैक्स ऑन साइलेंस अस, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ज़िवनिसा, वेलकम टू द शो। It's your first time on Mukadma, I think. Yes, very honored. I'm just very happy to have you because it's just, I feel like it's going to be a very fun conversation. Even though आपकी मैं ट्वीट्स देख रही थी पिछले एक दो दिनों में और उससे तो पता चल रहा था कि कराची के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बल्कि जब हम इस शो की प्लानिंग कर रहे थे तो आपने जब थोड़ा सा हम मंडे को नहीं कर सके, आज वेंसडे को कर रहे हैं, तो आपने ये कहा कि इट्स लाइक माई सिटी इज अ वॉर जोन। तो अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? Can you tell me a little bit about that? Well, I mean, I have power, thank God. But I think काफी ज़्यादा parts of the city अभी भी underwater हैं। Parts of the city में अभी भी बिजली नहीं आई। It's been what 5 days, I think. It's the 5th day, I believe. So things are chaotic, actually, even now. I mean, there's some semblance of order. Abhi thoda bahut to log kaam par ja rahe hain, thoda apne pump kar diye apna pani, kuch cheezein, but things have been destroyed. Infrastructure, the barely there infrastructure, wo destroy ho chuka tha, wo aur destroy ho gaya. Hame kal main dekh rahi thi wo DHA aur CDC ke bahar jo offices ke bahar protest ho rahi thi, to one of my friends was telling me ke wahan pe ek young se koi यंग मैन कहेंगे ना उनको, मेरे से तो छोटा होगा, यंग मैन वो वहां खड़ा हुआ था और ही सेड ही वाज अबाउट लाइक इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ही वाज गोइंग टू डाई राइट देयर बिकॉज़ उसका 2-story शोरूम जो था वो तबाह हो गया गाड़ियों का, राइट? अब आई एम अस्यूमिंग कि वो शायद वो सेकंड हैंड गाड़ियां हो तो शायद इंश्योरेंस की कोई प्रॉब्लम हो, बट लाइक दिस इज जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज ऑब्वियसली अ मोर प्रिविलेज सेक्शन। या तो मतलब सो राइट नाउ वाज द पूरी क्या पूरा शहर डूबा हुआ था या शहर के कुछ हिस्से थे जो डूबे हुए थे, और उसके अंदर फिर क्यों दिक्कत आ रही थी कि पानी को जल्दी साफ किया जाए? क्योंकि लाहौर में जो लोग बैठते हैं वो तो जल्दी वो कहते हैं हमारे पास तो वासा है, वो फौरन आता है पानी को ड्रेन कर देता है, ये है। तो ये क्या कराची में व्हाट वाज द इशू कि पानी जल्दी ड्रेन नहीं हो पा रहा था? आई थिंक पता है कराची की प्रॉब्लम क्या है कि कराची में जब भी बारिश, हम लोग तो मजाक उड़ाते ना कि एक बूंद, आई एम फ्रॉम लाहौर राइट ओरिजिनली, व्हेन आई मूव्ड टू कराची आई कुडंट अंडरस्टैंड कि लोगों को बारिश इतनी बुरी क्यों लगती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। एंड ऑनेस्टली नाउ एवरी टाइम आई हियर रेन आई जस्ट कम्प्लीटली इट्स लाइक PTSD, राइट? तो पहले ही बारिश में कराची के साथ प्रॉब्लम होती है हमेशा ही, यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम कि इलेक्ट्रिक बिजली बंद कर देते हैं, सड़कें फुल हो जाती हैं पानी से। दिस टाइम दो एक तो रेन बहुत ज्यादा थी, मतलब टू बी फेयर रेनफॉल जो थी ना वो भी लाइक 400 millimeters और समथिंग लाइक दैट, लाइक अनप्रेसिडेंटेड, राइट? और दूसरा अगेन इट्स कराची, बैड बैड मैनेजमेंट, बैड प्लानिंग, बैड गवर्नेंस, एंड देन जो आई थिंक लाहौर में शायद समझ नहीं आती उस तरीके से कि कराची बटा हुआ है, राइट? लाइक एक्चुअली डिवाइडेड है jurisdictionally, if that's a word. So there's like so many different agencies working, civic agencies working within the city, that you know honestly you don't even know whom to blame. Like if I'm sitting in Clifton, somebody told me ki haan wo waise cantonment ke niche aata hai lekin aapki wali gali jo hai na wo PPP ki government ke niche aati hai, right? I had no idea about that. So obviously when you have so many divisions, you also have a lot of plausible deniability as far as responsibility goes. So zahir baat hai phir wo kahenge nahi aapka kasoor hai, wo kehte hain aapka kasoor hai, frankly sabka kasoor hai isme, main to kisi ko bhi maaf nahi karti chahe kuch bhi ho jaye, PPP government, local government jo non existent hai, aur wo mera khayal hai Sindh government ka kasoor hai, aapke cantonment areas DHA aur Clifton, DHA to matlab ऑलमोस्ट अंडर दिस लाइक अटलांटिस ना अंडर वाटर, एंड उसमें जो आप कह रहे हैं कि पानी क्यों नहीं अभी तक हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपेरेंटली डीएचए के कुछ हिस्सों में ड्रेन्स ही नहीं है, सो टू स्पीक, आई मीन दैट्स व्हाट वी फाउंड आउट, है ही नहीं।
ड्रेनेज है ही नहीं, तो आप पता नहीं पानी कहाँ जाए। तो मुझसे वहां कह रहे हैं कि हम तो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बता दें कि ड्रेन कहाँ है, तो फिर हम वहां से निकालेंगे पानी। कोई मतलब इट्स अ लॉट ऑफ मेस, इट्स रियली कैओटिक रियली। अच्छा, तो अभी फिर सोशल मीडिया पे जब हम बहुत सारी वीडियोस भी देख रहे थे और कराची की सिचुएशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे थे, तो बहुत से लोग बार बार ये कह रहे थे कि पीपीपी जो है वो कराची में हुकूमत में रही है 2008 से, तो अब तक इट शुड हैव डन समथिंग, इससे ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती। ये मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कराची का जो ये जो जिसमें सिस्टमों का पूरा बैठ जाता है बारिश के अंदर पर्टिकुलरली, क्या ये पॉलिसी का मसला है या पैसों का मसला है, और आप अभी ज्यूरिस्डिक्शन की भी बात कर रही है, तो इन क्वेश्चंस को क्यों नहीं रिजॉल्व किया गया? हालांकि अगर एक हुकूमत जो है वो काफी टाइम से बैठी है, तो व्हाई द इकोनॉमिक हब ऑफ योर सिटी, उसको क्यों नहीं वो अटेंशन दी जा रही जो मिलनी चाहिए? आई थिंक ज्यादा अटेंशन, अनवॉरंटेड अटेंशन भी मिलती है, इन द सेंस दैट there are too many stakeholders vying for Karachi's hand in a way, right? ठीक है. And I think part of the problem is also political, really. But honestly, even मुझे तो अभी भी नहीं, frankly मुझे कराची अभी भी उस तरीके से नहीं समझ आया कि यहाँ पे मसले हैं क्या, क्योंकि इतने ज्यादा भी लगते हैं, और वो मेरा ख्याल है unplanned growth का मसला एक बहुत, मतलब unplanned development, जो डेवलपमेंट नहीं है, जो बस वो कहते हैं ना ब्लाइंड ग्रोथ है, तो लोगों को जाकर बस बैठ जाएंगे, इंक्लूडिंग पीपल, दिस इज नॉट जस्ट यू नो जिन बेचारों के ऊपर सारा का सारा मलबा आके गिरता है, रेफ्यूजीज या IDPs या पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दिस इज ऑल्सो योर वेरी रिच प्रिविलेज्ड, ये चेके फेजेस राइट, या रिक्लेम्ड लैंड जिसके ऊपर बनाई जा रहे हैं गेटेड कम्युनिटीज, और आपको पता है लाइक देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड नया नाज़माबाद व्हिच इज लिटरली अंडर वाटर राइट नाउ राइट, आई मीन अपेरेंटली दैट वाज मेड ऑन एट अ प्लेस व्हेयर इट शुड नेवर बीन मेड कंस्ट्रक्टेड राइट, ओके, बट वो लोगों को हाउसिंग की जरूरत है, बिल्कुल लोग बहुत ज्यादा हैं, या तो आई थिंक अनप्लान्ड ग्रोथ भी है यहाँ पर, पॉलिटिक्स भी है यहाँ पर, देयर इज अ लॉट ऑफ टग एंड यू नो टग ऑफ वॉर बिटवीन ये मेरी ज्यूरिस्डिक्शन है, नहीं जी आपकी है, फिर हम अपनी वो क्या कहते हैं सीट को बचाने के लिए आप लोकल गवर्नमेंट्स को, आई हैव अ लॉट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट गेट्स अ लॉट ऑफ फ्लैक, प्रोबेबली राइटली सो, कि वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के रखा हुआ है, और वो प्रॉब्लम है बिकॉज इतना बड़ा शहर है, आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप छोड़ दें जो लोकल लोग हैं, आप प्रॉपर इलेक्शंस करवाएं, लोकल बॉडीज को पावर्स दें, फिर आप उनको ब्लेम करें जब ये सब कुछ होता है, आप अपने तक रखेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे भी नहीं। ऑनेस्टली द पीपीपी हैज अ गवर्नेंस प्रॉब्लम एंड आई थिंक दैट एवरीवन न्यू जनरली राइट, दे बीन इवन उनके जो मतलब सपोर्टर्स हम कहते हैं हाँ अच्छी पार्टी है, लेकिन गवर्नेंस जरा ढीली होती है, तो एज अपोज टू मे बी द शरीफ जिनकी वो गवर्नेंस वाला जो उनका है वो यू नो उसमें पीपीपी गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम है, हाँ जरा फास्ट एंड फ्यूरियस, वो उनकी पॉलिटिक्स शायद जरा ऑफ हो लेकिन इनकी गवर्नेंस ऑफ है, दोनों को मिल जाए तो शायद कुछ हमारे पास इट्स क्योटिक होगी। अच्छा अब मूविंग ऑन टू अटैक्स वॉन्ट साइलेंसर्स, तो उस पर जरा हम बात करते हैं। कुछ हफ्ते पहले कुछ खवातीन जर्नलिस्ट थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट इश्यू की जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर उनको अपना काम जब वो रिपोर्टिंग करती हैं या जब वो कुछ भी शेयर करती हैं तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे और उनके साथ जो एसोसिएटेड अकाउंट्स हैं वो उनकी बहुत ज्यादा उनकी अब्यूज हरासमेंट डॉक्सिंग और काइंड ऑफ उनके ऊपर एक अटैक आता है जस्ट बिकॉज वो अपना जर्नलिज्म कर रही है या जो सवाल उठाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे या गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन पे व्हाटएवर। वो उस इशू को फिर लेके गए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर उठाया, वहां पे फीमेल जर्नलिस्ट गई, उन्होंने अपनी टेस्टिमनीज भी दी वहां पे, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने ये भी कहा कि वो एम्पथाइज करती हैं फीमेल जर्नलिस्ट के साथ और उनकी सिचुएशन के साथ बिकॉज शी हरसेल्फ इज अ वुमन, उनकी बेटी भी गुजरी है इस चीज से। तो उसके बाद क्या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट या कोई पॉजिटिव अपडेट या कोई एनी काइंड ऑफ अपडेट आया है इस सिचुएशन को रेजोल्यूशन की तरफ लाने के लिए या किसी पॉजिटिव आउटकम के लिए लाने के लिए? नहीं, अभी तो आई थिंक जो मीटिंग थी
और उसके बाद जो टेस्टिमोनियल्स में पढ़े गए थे, उसके बाद जो फॉल आउट था सोशल मीडिया पे, वो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट एवरी डे दैट हैज प्रूव्ड दैट देयर वाज मेरिट इन व्हाट वी ऑल रोट रियली. तो उसका मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव क्या हम उसको उसमें दें, पर आई थिंक उसमें सिर्फ प्रूव ही हुआ है कि सब सही कह रहे थे. उसके आगे कुछ बढ़ा तो नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक, अगर आप कह रहे हो कि किसी को सैंक्शन किया है ऑफिशियली, कि किसी ने आके कुछ कहा, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा. मुझे तो एक्चुअली लगता है कि देव गॉन आउट ऑफ द वे ऑफिशियल, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक ऑफ द सिटिंग पार्टी, they've gone out of the way to prove ke ye khawateen kisi agenda ke upar kaam kar rahi hain ya ya it's okay to abuse them. Aur humne baad mein dekha Shehbaz Gill sahab matlab unko jo bhi unko hua wo bas pad gaye social media par. Aur Wavda sahab pehle to hamare obviously this doesn't mean ke male colleagues to nahi hota unke sath, तो हमने देखा मुबशर जैदी साहब के साथ भी, बिल्कुल. और लेकिन ऑब्वियसली इट सीम्स लाइक देयर इज नो, देयर इज नो रेकनिंग एज फार एज द यू थिंक कि इनकी एक्चुअली ये लोग इम्बोल्डन हो गए हैं और एम्पावर हो गए हैं, क्योंकि शुरू में तो आई एम श्योर इट वुड हैव बीन ऑकवर्ड एंड स्ट्रेंज टू सी के इतनी ज्यादा आपकी नॉन फीमेल जर्नलिस्ट जो है उन्होंने आके एक तरह का स्टेटमेंट दिए. बट उसके बाद तो मुझे, मैंने भी जो सोशल मीडिया पे सारी चीज को फॉलो किया, तो बड़ा यही लगता है जैसे वो बिल्कुल नाउ दे फील कि हम एम्पावर्ड है, हमें कुछ भी नहीं होगा, इसके कोई रेपरकशंस भी तो नहीं है, तो खुलेआम करो. ना ये मुझे ये लगता है, दिस माय पर्सनल ओपिनियन, कि हमारी शायद हर पार्टी में है लेकिन इस पार्टी में ज्यादा है. और इनका तो एक शायद एक स्ट्रेटजी सी लगती है कि देयर आर सर्टेन पीपल जिनको सब कहने की इजाजत है, चेक कुछ भी हो जाए उसका फॉल आउट चाहे किसी के और के ऊपर भी आए उनकी पार्टी के बीच में, तो उनको फिर भी इजाजत है ये सब कुछ बोलने की. और मेरा ख्याल है हमारे गिल साहब उनमें से एक हैं, यू नो कैरेक्टर इज नॉट द ओनली वन ऑफ कोर्स, अदर पार्टीज हैव देम, दे देयर, बट इस वाली पार्टी में कुछ, एक तो ये रूलिंग पार्टी है, दूसरा ये सोशल मीडिया पार्टी है इन मेनी वेज, राइट. आई मीन दिस PTI is such a huge success story that way, because it's the social media presence actually gives it its strength really, because of the youth factor. Okay. And I think you know, after the Karachi rains, जब मैंने tweets डाली frustration में, गर्मी में, बगैर बिजली के, और मैंने सही करके मतलब PPP की government को भी सुना दी, उसमें मतलब गुस्सा भी चढ़ा हुआ था और reality भी है, तो उसके बाद भी मुझे जितनी गालियां आई हैं वो सब इसी बेसिस पर आई हैं कि मैं कोई जरदारी या भुट्टो क्या पता नहीं किसके एजेंडा पे काम करती हूँ. हालांकि बिल्कुल उसी ट्वीट के नीचे आई हैं जहां पे मैंने सिंध गवर्नमेंट को ठीक ठाक खड़े खड़े सुना दिए, राइट. सो आई थिंक वो एक वो बन गया है कि आप थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करेंगे PTI की गवर्नमेंट को तो सब चलता है उसके बाद. I don't know उसका पॉजिटिव क्या होता है. प्रेस के साथ बुरे रिलेशंस रखना तो किसी भी गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करता. अगर आप इनके बुरे रिलेशंस नहीं, इनके बुरे रिलेशंस हैं ही नहीं प्रेस के साथ. आई मीन लेट्स फेस इट, बहुत माइनॉरिटी है जो इवन ओपनली क्रिटिसाइज को छोड़ दें क्रिटिक कर सकती है किसी ऑफिशियल पॉलिसी की. बड़ा हम वगैरह हाथ हौला रख कर हम बात करते हैं इसके ऊपर. और the only thing I want to say as a woman, as a female journalist, is that I know ke hamare male colleagues ko bhi bahut attacks aate hain, but I know that, right. But the thing is that somehow they can get away with openly criticizing government policy, and somehow every time a female journalist even mildly criticizes there's hell to pay in the form of I've seen the way you get abused as well, actually, right. It's incredible the difference, really, you know. Yeah. I think jo maine apne testimonial mein Bilawal Bhutto Zardari sahab ke samne jo baat ki thi wo yahi thi ki it's not just calm. I mean honestly I'm also thinking human being, aap bhi hain, hamari sari colleagues hain, unki opinions bhi ho sakte hain, bhai nahi pasand Islam policy
तो लिख दिया कि देर इज अ प्रॉब्लम देर, आप गाली नहीं दे रहे तो आपको भी आगे गाली नहीं पड़ती। ओनली दैट्स लिटरली द ओनली रीजन आई साइन द स्टेटमेंट कि मैंने आपको गाली नहीं दी है, आप ऑफिशियली और आपकी ट्रोल पार्टनर जो है मुझे गाली क्यों दे रहे हैं। बस ये है सिंपल सा इशू, बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम आवर वर्क। आई एम हेजिटेंट ऑनेस्टली, आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है ना जब हर कोई आप, हालांकि फॉर एग्जाम्पल मैं तो आई एम एन एडिटर सो आई डोंट इवन रिपोर्ट एज ऑफन, मैं तो बहुत कम लिखती हूँ, तो मेरे जो ट्विटर फीड होता है वो तो सिर्फ होता ना कि आप हॉट टेक्स दे रहे हो ऑन रैंडम थिंग्स या कॉमेंट कर रहे हो या आप इस तरह, तो उसके ऊपर भी मुझे इस किस्म का अब्यूज आना और इट टुक मी बाय सरप्राइज टू सी हाउ मच आई वॉज रिवाइल्ड बाय वन political party and their supporters, and then how much respect I gained as a result from others. Ki galiyan kha rahi hai, you're very brave, you are a progressive voice, aapko wo sab kuch bhi kehte hain saath pe, aapko you have the cost you pay for being that progressive voice is immense. माइनर डिफरेंस जो है जो मेरा ख्याल है हमारी जो हमें क्रिटिक आई थी स्टेटमेंट अपनी उसके बाद वो ये थी कि ये भी तो करती हैं, लोगों का मजाक उड़ाती हैं या किसी को फ्लां कह देती हैं या अपने कॉलीग्स को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली ऑनेस्टली आई वांटेड टू से दिस इन पब्लिक, आई वाज गोइंग टू राइट अ थ्रेड ऑन इट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म जो मेरे ऊपर लिटरली इस शो के बाद भी आए तो सौ बिस्मिल्ला, आप कहें आई डिसएग्री, शी इज रॉन्ग, शी इज व्हाटएवर, दैट्स फाइन। There's a difference between criticizing something and abusing someone. Of course. Using sexual innuendos and all kinds of slurs. Yeah. Or specifically, there's also a difference between an abuse that is by some poor guy that I don't know comes from where and somebody sitting with a proper troll army behind them. Absolutely. There's a huge power difference. We don't directly do it. अच्छा द स्ट्रेटजी इज क्वाइट क्लियर बिकॉज दे से कि वी आप बताएं हमने कहां पे गाली दी है और यू विल सी ऑन ऑफिशियल अकाउंट्स दैट इट इज नॉट एक्चुअली उन्होंने डायरेक्ट गाली तो बिल्कुल नहीं देते बट द डॉग विसलिंग दैट हैपेंस के वो आपको सवाल वो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके उसके ऊपर उठा देते हैं एंड देन अदर्स टेक अ क्यू तो वो कल्चर आपने एक्सेप्ट कर दिया है उस कल्चर को अब लोग फॉलो करते हैं तो ये सब कुछ पता है और भी ज्यादा ऑफेंसिव और सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लमैटिक इसलिए भी हो जाता है बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सो मच सेंसरशिप इन द मीडिया यू नो फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स सो यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेरी टाइट कंस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट एंड देन यू हैव दिस प्रेशर तो जब मैं पेज बना रही हूँ तो मुझे क्यों ये बार बार दिमाग में आता है कि ओ माय गॉड कल कोई कहेगा कि देखो भाई ये दो आर्टिकल्स जा रहे हैं जो इकोनॉमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना तो मुझे आई मीन व्हाई शुड नॉट दैट एक्चुअली आई शुड नॉट हैव टू डू एज एन एडिटर यू नो आई शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट कल सुबह क्या होगा अगर मैंने दो बैक टू बैक ट्विटर पर शेयर कर लिए किसी के पीसेस तो मुझे क्यों मुझे अच्छा लिखा भी मैंने नहीं है मतलब नाम भी मेरा नहीं है तो खाली एज एन एडिटर शेयर कर लूंगा लेकिन गालियां भी आप खुद सुने इट्स नॉट फेयर It's and it's very gendered, which is something that I think all of us would never just bring up essay lightly because it's not something that I at least like you know this idea that I have some exceptionalism just because I'm a woman on my gender but I do if. All the insults and I'm constantly scared ke, you know I hope my family doesn't see this now they take it in stride they just accept it as part but of I'm a, you're young I mean you're so much younger and you're there but you're also far braver and stronger you know than a lot of people but the thing is that there are much much newer faces there that don't also don't have that kind of support that's what Ahmad Shahi also said in the ke hum to hum to senior hain humne waqt guzar liya apna lekin jo naye bacche aate hain wo to pehle saal mein ye sari cheeze dekh ke unke parents kehte honge what is it worth iski to koi wo nahi hai so pehle there's a
चैलेंज देयर फॉर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, घर से निकलो, आपको ऑनलाइन भी आपको घर के अंदर भी आपको चैलेंज है, दैट्स नॉट फेयर. सो अब स्ट्रेटजी क्या है फ्रॉम द जर्नलिस्ट जिन्होंने स्टेटमेंट को किया, वो इस इशू को कहां तक परसू करना चाहती हैं और व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स एंड व्हाट आर देयर उम्मीद क्या है उनकी के गवर्नमेंट को कुछ करेंगे वो जल्द ही रिजॉल्व करने के लिए. आई थिंक हमारी ओरिजिनल यही थी हम सब की कि लुक वी नोबडी वांट्स सोशल मीडिया रेगुलेशन एज फार एज मोर लॉज आर कंसर्न्ड, सो दैट वाज टोटली ऑफ द टेबल राइट, व्हिच दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन टू ओवर हैप्पी टू डू राइट, पुट मोर लॉज, गिव मोर बैन्स एंड ब्लॉक्स. पीटीए ने वैसे ही सब कुछ ब्लॉक और बैन करके रख दिया, कुछ बंद कर दिया उन्होंने. लेकिन स्ट्रेटजी तो ये थी कि एक सॉर्ट ऑफ एक कोई कोड हो जो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी सारी बेशक फॉलो कर रहे हैं, एक कॉन्डक्ट एथिक्स का कोड हो, आपके लीडर्स जो हैं वो ऑल दे हैव टू डू इज ओपनली आके कह, ये तो कह सकते हैं ना ओपनली कि देखिए अगर आप फलां फलां पार्टी के फॉलोअर सपोर्टर हैं, आप किसी भी जर्नलिस्ट के साथ स्पेसिफिकली खवातीन जर्नलिस्ट के साथ इस तरह बिहेव नहीं करते, कोई थोड़ी थोड़ी तमीज के साथ, और अपने जो सोशल मीडिया के हेड्स हैं या जो भी उनको वो कहते हैं फोकल पर्सन दिस एंड दैट जो भी उनके वो हैं राइट फोकल पर्सन, उनको भी जरा अगर समझा दें कि इट्स गुड टू बी गुड एट योर जॉब बट टू बी ओवर जेलस, you don't have to defend the government all the time for no reason when it's our job just to question, that's all, that's literally anything. Hum girat nahi rahe hukumat, yeah, I get what you mean. Matlab kaun sa koi hum container pe jaake khade ho chuke hain, hum to apne literally apne desk ke upar baith ke khabrein share kar rahe hain bas. Aur hamari ek colleague hain particularly unki reporting ke upar jitna. The thing is, I feel much more concerned for reporters because वो field पर जाते हैं और उनको तो access चाहिए होता है, government का access भी चाहिए होता है. आप ये तो नहीं कर सकते कि आप castigate कर दें एक इंसान को, दो लोगों को, तीन लोगों को, और उनकी reporting तो सब, that means उनका काम तो बेचारा suffer हो रहा है ना, but आप literally उनके काम को harm कर रहे हैं, you know. तो मुझे तो ये लगता है कि आगे या पता नहीं, आई थिंक उस मीटिंग के बाद देयर सम सॉर्ट ऑफ देयर वाज सपोज्ड टू बी अ फॉलो अप मीटिंग विद इन द बिनावल हैड, उन्होंने कहा था कि समन करेंगे मेरे ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का इंफॉर्मेशन को, अभी तक हुई नहीं है. हां जी सॉरी, हां आई थिंक अभी तक हुई नहीं है वो वाली मीटिंग. आई एम कमिंग, या सो वी आर होपिंग एंड वेटिंग बिकॉज़ आई डोंट थिंक वी शुड लेट इट गो. No, absolutely. वो तो जब वो उसको शेयर किया गया, जब वो बनी स्टेटमेंट, तो उसके बाद बहुत सारे फीमेल जर्नलिस्ट ने उसको ज्वाइन करने के लिए कहा कि दे वांटेड टू ऐड देयर स्टेटमेंट्स. और लेटेस्ट जो मुझे मालूम है वो ये है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ने अपने टेस्टिमोनियल्स और भी शेयर किए, तो बिसाइड द वंस जो हम जो असेंबली में दिए गए थे उसके अलावा और भी टेस्टिमोनियल्स आए हैं, सो इट्स जस्ट एडिंग वेट टू व्हाट ऑलरेडी हैज बीन सेड इन पब्लिक. There's so many people, there's a lot of journalists don't even come forward because काफी organizations में policies भी हैं ऐसी कि आप नहीं कर सकते, तो बहुत privately भी लोगों ने कहा है कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे इतना चीज कही गई. I think all that needed was a push really for this to be brought to the public. Yeah. Whether we got abused at the end of it again is a completely different matter. We're saying all of these serious things with such big smiles on our faces. Yes. But thank you so much, Evanessa, for being on Mukaddama. I really had a great time. I hope our viewers also have a good time. And I hope ki hame social media pe iske baad achhe comments mile, bure comments na hi mile. Lekin agar bure mile bhi sahi to galiyan na mile, but everything else is fine. Galiyan na de. Baaki khair hai. Okay, Evanessa. Thank you. Bye. Thank you. Bye.